सो गाइस, आज हमने रखा है एक मीटअप जिसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हो रहा हूँ। और सुबह के 6 बज रहे हैं, पप्पन भाई अपने ब्रश कर रहे हैं, बाकी मैं तैयार हो चुका हूँ, बूट वगैरह हमने पहन लिए एंड बस अब गाड़ी स्टार्ट करके निकलना है। 10:90 पे हमने मीटअप रखा है, तो कई सारे लोग पहुँच चुके हैं और सुबह से मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, तो फटाफट निकलते हैं। फाइनली मैं निकल लिया हूँ घर से और काफ़ी ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे हैं एंड समथिंग सुनने में आए, एक दो कॉलें आई कि थोड़ा पुलिस का मैटर भी हो रहा है, भगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट ये सारी चीज़ें मुझे पहुँच के ही पता चलेंगी। एंड हमारे पप्पन भाई गए हैं ऋषि को उठाने, क्योंकि ऋषि जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि वो शायद सो रहे हैं और फ़ोन आ रहा है किसी का। अरे फोटोग्राफी चल रही है भाई, इतनी तकड़ी। बाकी अपन को फटाफट पहुंचना पड़ेगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पहुंच चुके हैं पॉलिटेक्निक, क्योंकि क्रिश हमारा यहाँ इंतजार कर रहा है। कहाँ इंतजार कर रहा है आई डोंट नो। आ जाओ आ जाओ। चले बस राइड दिया आपने, हालत खराब कर दी मुझे राइडिंग गियर पहनने। सीरियसली भाई गूज बम्स हो गए। बहुत हार्ड है गाड़ी, इंडियन नहीं बैठूंगा जिंदगी में। हाथ जोड़ दिया, हाथ जोड़ रहा हूँ भाई इतनी जल्दी। क्या हुआ? ओहो जैसे सूरज भाई आया मैंने सबसे पहले पकड़ा है भाई, मैंने पकड़ा ना। हाँ भाई बिल्कुल, काफी क्राउड है बस। अभी सूरज भाई जस्ट लगे हैं, थोड़ी देर हुई है। और अभी भैया मौज भैया अभी अभी गए जस्ट आपके थोड़े से आने से पहले, थोड़ी देर। अरे देख सकते हैं, अभी लेते फोटो वोटो फोटो अभी उतारते हैं, आराम से लेते हैं फोटो वोटो। ले लीजिए कर लीजिए। हाँ लाइन से खड़े हो जाओ भाई एक बार, सब लोग एक फोटो क्लिक करा लें। सब लोग यार लाइन से आ जाओ, एक फोटो क्लिक करा ले लाइन से। बाइक्स पे बैठ जाओ, बाइक्स पे। और पीछे आओ सब लोग भाई, यार कोई आ ही नहीं रहा है यार। आओ मानस इधर आओ, लाइन से यार आओ ना। तो हम लोग जा रहे हैं हम जनेश्वर साइड, ताकि वहाँ पे थोड़ा सा पार्किंग एरिया है, क्योंकि बाइक वगैरह पार्क हो नहीं पा रही थी यहाँ सही से, और काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो गया था। इतना ज़्यादा क्राउड तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जितना हो गया था। तो हमने कहा एक सेफ जगह चलते हैं जनेश्वर, जहाँ पे कोई दिक्कत ही ना हो। So guys, finally meet up हमने कर रहे भाई साहब, ये लड़का नहीं मानेगा। भाई साहब मीटअप हो गया खत्म, हमने खत्म कर दिया। काफी ज्यादा लोग आए थे यार, मजा आ गया। एंड प्रॉपर मीटअप नहीं हो पाया, जिसे प्रॉपर कहेंगे, क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो गई थी, पुलिस वुलिस वाले आ गए थे और इतना ज्यादा क्राउड हो गया था उस टाइम कि भागना पड़ा वहां से, समझ लो।
तो नेक्स्ट टाइम जब मैं मीटअप रखूंगा तो किसी ढंग की प्लेस पर रखूंगा, क्योंकि मुझे इतना वो नहीं था आइडिया कि इतने ज़्यादा लोग आएंगे, तो इसीलिए प्रॉपर नहीं हो पाया। बट नेक्स्ट टाइम मैं एक प्रॉपर प्लेस चूज़ करूंगा जहां पे रखूंगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और बाइक वगैरह सब पार्क भी हो जाए बहुत इजीली। बाकी अब हम लोग जा रहे हैं एक फ़ोटो शूट करने। ये देखिए आप स्कॉर्पियन एकदम जलवा काटे पड़ा है लड़का। अरे यार पानी उछालो तुम मेरे ऊपर। फाइनली फोटो शूट वगैरह खत्म हो चुका है, और जिसको फोटोज देखनी हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है। एंड नाउ वी आर लीविंग फॉर होम। अब हम लोग जा रहे हैं घर, एंड सारी बाइक्स जा चुकी हैं, कुछ बाइक्स हमारे पीछे हैं जो गई थी फोटो शूट में हमारे साथ में। सो मज़ा बहुत आया यार ऋषि। हाँ। इतना एक्सपेक्ट नहीं था यार इतनी भीड़ आने की। मुझे भी नहीं था, इसलिए मैं एकदम दूर दूर जा खड़ा हो गया। है? अबे सब मतलब सब आ जा रहे थे, तो मतलब मेरे को बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था कि भाई इतनी ज्यादा भीड़ देखने की मुझे कभी आदत ही नहीं थी ना। मुझे भी नहीं थी इतनी ज्यादा, मतलब कुछ संभाल नहीं पाया, मतलब प्रॉपर हो नहीं पाया जो होना था। इतनी ज्यादा क्राउड था, मतलब कि नेक्स्ट टाइम करना यार, क्या ही बताएं क्या फील था उस टाइम। तो गाइस नेक्स्ट टाइम कोई बढ़िया सा वेन्यू रखेंगे, कोई बढ़िया प्लेस खोजेंगे, और ताकि बढ़िया सा हो सके। एंड इस टाइम बस समझ लो इतना क्राउड किसी रोड पे होने, पब्लिक रोड पे होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई। लो ओफो ब्रूम ब्रूम। हाँ भाई 200 200 200 करो। ये CBR भी बहुत चौकस लगती है, ये थोड़ी ज़्यादा हैवी लगती है नई के कंपैरिजन में यार। पुरानी F जो थी वो थोड़ी हैवी ज़्यादा लगती है ना, कह रहे हैं ये वाली ज़्यादा हैवी लगती है नई के कंपैरिजन में। नई वाली बहुत लाइट लगती है। थ्रॉटल और 190 टच पीछे ऋषि बैठा कुछ नहीं भाई। अबे साले कान के पल्ले पड़ जाएंगे भाई, कान में दर्द होने लगा भाई मेरे भाई। 190 टच हो गई सट से, मेरे कान में दर्द होने लगा पता है हवा के मारे, हल्की सी कान में हवा आई है भाई। सो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:28 एंड इतनी गंदी धूप हो चुकी है, इतनी गंदी धूप हो चुकी है कि क्या ही बताएं। थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठ गए थे 3-4 लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में, एंड थोड़ा सा सुकून मिला। गर्मी के हमारे हालत ख़राब हो चुकी थी, जब पसीना वसीना सूखा तब हम लोग वहाँ से निकले हैं। बाकी आज मज़ा आ गया यार, ये मेरा पहला ऐसा मीटअप था जो मतलब मैं वैसे ज़्यादा मीटअप रखा नहीं कभी, बहुत ही कम बहुत ही रेयर मीटअप मैंने रखे, लेकिन आज जब मैंने मीटअप रखा तो मुझे एहसास हुआ कि कितने ज़्यादा लोग हैं अपने को चाहने वाले। मतलब यार सच में ऐसा लगा पहली बार फील कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड है जो सूरज भाई को चाहता है, सूरज भाई को प्यार करता है, और ये तो सिर्फ लखनऊ का है। एंड बहुत सारे लोग उसमें भी आ नहीं पाए, बहुत सारे लोग दूसरे शहरों में भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब हम जहाँ जहाँ ट्रैवल करेंगे वहाँ वहाँ मीटअप करेंगे, कोशिश करेंगे कि सबसे मिलते हुए चलें, अपनी फैमिली से मिलते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। मीटअप और भी तगड़ा हो सकता था, हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी प्लान नहीं थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, इतना ज़्यादा क्राउड आने वाला है, इतने ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा भाई लोग आने वाले। अगर ऐसा कोई सीन होता पहले से थोड़ा सा माइंड सेटअप होता तो हम डेफिनेटली कुछ अच्छा सोचते, अच्छी लोकेशन सोचते, क्योंकि ये सब चीज़ें फिर रोड पे नहीं हो पाती हैं, फिर कोई अच्छी लोकेशन हो तभी काम बनता है। सो नेक्स्ट जो भी होगा ना, जो भी लोकेशन होगी नेक्स्ट, वो बहुत ही तगड़ी होगी, और भाई साहब अगला मीटअप ऐसा तगड़ा होगा ना कि दिल खुश हो जाए। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ घर, घर जाके थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगा, और हो सकता है सो जाऊँ, क्योंकि रात में सोया नहीं हूँ, रात भर जगा हूँ मीटअप के चक्कर में कि मॉर्निंग में कहीं आग ना खुले ऐसा हो जाए, तो इसीलिए मैं जगता ही रहा। तो अभी अपना काम है घर पहुँच के सो जाना, तो जब भी उठते हैं मिलते हैं थोड़ी देर में।
गाइज रात भर जागा था एंड मीटअप से वापस घर जाके सो गया। सो रहा था, सोते सोते देखा बहुत सारी कॉल्स आ गई थी, फिर याद आया अरे वीडियो एडिट भी करनी है यार शेट, और वीडियो शूट भी करना है। सो हमने तुरंत ZX Renegade उठाई और फटाफट निकल पड़े घर से और यहाँ आ गए लोकेशन पे। इसकी सर्विस कॉस्ट का वीडियो जो शूट करना था, अगर इसको इसकी सर्विस के बारे में किसी को जानना है तो सूरज वर्मा चैनल पर वीडियो आ जाएगी, आप वहाँ देख सकते हो। बाकी यहाँ पे आके शूट किया मैं और अब जलने का टाइम हो चुका है क्योंकि हमारा यहाँ का शूट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम निकलेंगे, थोड़ा मौज लेंगे क्योंकि अंधेरा होने ही वाला है, बस यही शाम का टाइम होता है जिसमें हम मौज ले सकते हैं, धूप में तो हम निकल नहीं सकते, इतनी गंदी धूप है। एंड मैं आ कहाँ गया हूँ दोस्तों, ये देखो आप, मतलब इतनी गंदी ऑफ रोडिंग पे आ चुका हूँ मैं इस टाइम, इतनी गंदी ऑफ रोडिंग पे आ चुका हूँ कि लोग सोचेंगे ZX Renegade पहले वहाँ ले जाने से। ये देख रहो एकदम डीप चढ़ाई, ऊपर से सिर्फ बालू, अगर स्लिप हुई तो गाड़ी गई, बहुत स्लिप हो रही भाई, बहुत स्लिप हो रही, फंस ना जाए बस। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो अरे क्या बात है भाई, ZX Renegade, चलो चलो चलो, यू कैन डू इट, तुमने बालू को पीछे छोड़ा है। हाँ हाँ हाँ, गुड गुड गुड, निकल गई, स्लिप हो रही अभी भी, फ्रंट व्हील स्लिप नहीं होना चाहिए, बस रियर व्हील से चल जाता है काम, कौन सोचेगा इधर गाड़ी लाने से पहले, सब कोई सोचेगा मुझे छोड़ के। वो बाकी अब जा रहा हूँ घर, ये ब्लॉग फटाफट एडिट करना है मुझे, नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड आउट राइड सेफ।